हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेज। बहुत दिनों बाद आज फिर से हम लोग सेशन रिज्यूम करेंगे। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि हाल ही में जितना भी आप क्वेश्चन देखेगा, सेंट्रल एग्जामिनेशन हो या स्टेट एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज जो थोड़ा बढ़ गया है। ओके, जिसका वजह से ट्रिगोनोमेट्री वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है, जैसे कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, या में को फंक्शन फॉर्मूलास, पाइथागोरियन आइडेंटिटी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल। होप आप सब जानते ही होगा ये फॉर्मूलास, नहीं जानने से एक बार देख लीजिए ये फॉर्मूलास को, क्योंकि ये फॉर्मूलास लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिस में हम आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ओके, फॉर्मूलास थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि साइन का क्या होगा, रेसिप्रोकल 1 बाय कोसेक होगा, कोस का 1 बाय सेक होगा, टेन का 1 बाय कोट, और टेन को हम लोग साइन बाय कोस भी लिख सकते हैं, बाकी इसका जस्ट वाइस वर्सा रहेगा। इसके बाद इधर में साइन 5 बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होगा। यहाँ में 5 बाय 2 मैंने क्या, 5 मैंने, 5 का वैल्यू होता है 180 डिग्री, दैट मींस उसको 2 से डिवाइड करें, दैट मींस क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ओके, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोसेक का क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो सेक होगा, 10 का कोट होगा, बाकी वाइस वर्सा। ओके, इसके बाद जहाँ में पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूलास है उसको भी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ में मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद नहीं करना है, आपको 90 तक देखने से हो जाएगा, 0 से लेके 90 तक देखने से रहेगा। साइन का, साइन और कोस जो वाइस वर्सा रहता है, अगर साइन 0 का 0 है तो कोस 90 जो 0 रहेगा। इसके बाद अगर ये साइन 30 हाफ है तो cos 60 जो इधर से आते रहेगा। ओके, ये इस तरफ से आएगा तो ये उस तरफ से आएगा, आप वैल्यू को देख लो सेम ही है टिल cos 90। ओके, इसके बाद यहाँ में 10 और cot भी वाइस वर्सा होता है, जैसे कि 10 0 0 होता है, 30 का क्या होता है 1 बाय रूट 3, 10 45 1 होता है, इसके बाद रूट 3 नॉट डिफाइन। आपका cot देखिए उस जस्ट उसका ऑपोजिट है, नॉट डिफाइन रहेगा, इसके बाद रूट 3 1 1 बाय रूट 3 0। ओके, इसके बाद कोसेक और सेक का भी जस्ट उल्टा अल्टरनेटिव होता है, ज्यादा नहीं आता है कोसेक और सेक का, इनकेस अगर क्वेश्चन में है बोलने से बाद में हम लिख के दे देगा। फिलहाल के लिए आप ये सब फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का आगे में। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री 1 डिग्री कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री ऐसे डॉट 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 जाके कोस 90 तक। ओके, ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहां में हमको एक चीज क्या देखना है बोलने से, जो हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल देखा था ना, उसका टेबल का जो वैल्यू लोग है ना, उसका वैल्यू को पुट करेगा। ओके, यहाँ पे देख लो कोस 0 का क्या था, कोस 0 का 1 था। ओके, कोस 0 का 1 था, कोस 1 का कुछ वैल्यू होगा तो हम लोग मान लेते हैं कोस 0 का 1 है। ओके, मल्टीप्लाई, इसके बाद यहाँ में एक चीज हमको पता है, कोस 90 का वैल्यू हमको पता है। ओके, कोस 90 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लो कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स हम लोग डॉट 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 करके मल्टीप्लाई बाय 0 कर देगा। ओके, यहाँ में कुछ भी वैल्यू आओ, जब हम लोग कोई भी वैल्यू कोई भी डिजिट अगर 0 को सर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या होगा, 0 ही रहेगा। ओके, जैसे कि 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। ओके, अगर हम लोग 1000 इंटू 0 करने से भी क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ में जब हम लोग कोस 0 आ जाते हैं, ओके, इन केस ये कोस का जगह में अगर साइन 0 होता, ओके, साइन 0 इंटू साइन साइन होने से भी साइन 0 है तो मल्टीप्लीकेशन होने से 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल आता है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x tan 45 sin 30 equal to cos 30 sin 30 देन
एक्स का वैल्यू क्या होगा बोल के पूछे। ओके यहां में क्या लिखा है, एक्स 10 45 साइन 30 इक्वल टू कोस 30 10 30। ओके हमको एक्स का वैल्यू ढूंढना है। ओके तो एक्स को एक साइड में रखते हैं या में कोस 30 10 30 फिर नीचे आ जाएगा तो 10 45 साइन 30 ऐसा हो जाएगा। ओके ऐसा होने से इसका पर हम लोग क्या करेगा, वैल्यू पुट करते हैं। ओके कोस 30 मने क्या था, कोस 30 मने रूट 3/2 था इंटू 10 30 मने क्या था, 10 30 मने 1/√3 था ठीक है नहीं। इसके बाद 10 45 टू 1 होता है, इसके बाद साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है। ओके तो यहाँ में एक चीज देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, इसको कैंसिल कर देगा हम। ओके इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर में क्या रह गया हाफ रह गया, नीचे में भी क्या रह गया हाफ रह गया, दैट मीन्स ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके आंसर क्या मिलेगा हमको, सिर्फ 1 मिलेगा। ओके कौन सा वाला ऑप्शन है, डी। यहाँ में भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्या करना है बोलने से हम लोग को बस इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल का वैल्यू है ना उसको हम लोग को जानना है। ओके अगर ये वैल्यू जानता है तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ओके विद इन 30 सेकेंड ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ 10 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 100 10 is to 100 थीटा प्लस कॉस पावर 100 थीटा। ओके पावर जो यहां में क्या है 100 100 दे दिया। ओके यहां में देख लो ऊपर में क्या लिखा है, 10 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 2 दिया। ओके तो यहां में एक चीज हमको पता है, दैट मीन्स यहां में क्या होना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। ओके यहां में सोच लो 1 + 1 होने से क्या होगा, 2 होगा। ओके 1 का बात है हम लोग को पता है, 1 का बात है बोलने से जब 10 45 डिग्री होने से 1 आता है। ओके यहां में देख लीजिए रेशियो को फिर से एक बार, ये 45 है, 10 कौन सा वाला है, ये 10। ओके कोट का भी देख लो, कोट और 10 जो 45 डिग्री में 1 1 होते हैं। ओके तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर ये चीज जो हमको ढूंढना है बोलने से 10 45 प्लस 45 इक्वल टू 2 क्योंकि ये 1 + 1 ही होगा इक्वल टू 2। ओके दैट मीन्स हम लोग को थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 45 मिल गया। ओके यहां से तो हम लोग को अभी थीटा का वैल्यू मिल गया, नीचे में थीटा का वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू ढूंढता है। ओके 10 to the power 100 थीटा प्लस 4 to the power 100 थीटा कितना होगा। ओके यहां में 10 45 है, 10 145 प्लस 4 145 इक्वल टू क्या होगा। ओके यहां में 10 45 क्या होता है, 1 होता है पावर, इसके बाद 4 45 भी 1 होता है, 1 का पावर 100 इक्वल टू हमको पता है 1 का ऊपर में जितना भी पावर हो, 1 के ऊपर में जितना भी पावर हो 1 ही होगा, इसके बाद इधर में भी 1 ही होगा, दैट मीन्स आंसर क्या है, 2 है। ओके कौन सा वाला, यहां में सी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल का वैल्यू जानना जरूरी है, दैट मीन्स आप समझ रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके यहां में देख लो कुछ नहीं किया हमने, बस एज्यूम किया कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी ये 2 होगा। 1 1 कब आएगा, 10 45 होने से 1 आएगा। ओके दैट मीन्स हम थीटा का वैल्यू कितना लिया है हमने, मिला है 45 मिला है, तो यहाँ में 45 पुट किया 1। ओके 1 का पावर में जितना भी वैल्यू आएगा वो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। ओके इसलिए आंसर हमको 2 मिल गया। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, साइन 2b इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू। ओके यहाँ में b हमको पता नहीं है, b का वैल्यू क्या होना चाहिए जब ये दोनों इक्वल रहेगा। ओके यहां में 90 degree 60 degree 30 degree 0 degree दिए। ओके तो हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू में कब इक्वल होगा। ओके
यहां में सबसे फर्स्ट हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री चेक करता है, ओके, साइन 2 इंटू 90 इक्वल टू 2 साइन 90, ओके, साइन 90 मैंने क्या होता है, यहां में साइन 2 इंटू 90 मैंने क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ओके, इधर में 2 इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, यहां में सोच लो साइन 90 क्लिक करो फिर से अभी भी, ओके, साइन 80 क्या होता है, साइन 80 यहां में देख लो ये साइन है, साइन 80 जो फिर से रिपीट होता है, ओके, यही ये साइन 80 ना, या में साइन 0 का 0 होता है ना, तो डायरेक्ट उसके स्ट्रेट एंगल में 0 ही रहेगा, ओके, तो साइन 90 का 1 होता है और साइन 0 का 0 ही होता है, तो यहां में साइन 80 जो 180 जो 0, इधर में 2 इंटू साइन 90 क्या होता है 1, दैट मीन्स यहां में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये 0 के साथ इक्वल है क्या, नहीं, दैट मीन्स 90 नहीं हो सकता है, ओके, ऐसे करके हम चेक करते जाएगा, लास्ट में हम लोग एक चीज चेक करते हैं, यहाँ में थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्ट 0 पे डालता है, क्योंकि 0 ज्यादा चांसेस आंसर होने का ज्यादा चांसेस लग रहा है, ओके, क्योंकि हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कीजिए, हम डायरेक्ट ये नंबर थीटा इक्वल टू 0 को चेक करते हैं, ओके, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, ओके, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 ही होता है, ओके, दैट मीन्स साइन 2 इंटू 0 क्या होगा 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 क्या था, ओके, साइन 0 लिख लो, ये 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 क्या होगा, ये भी 0 रहेगा, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0, ओके, दैट मीन्स अभी क्या प्रूफ हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट जो ये वाला का साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं, 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम लोग बोल सकता है ये 0 जो आंसर रहेगा, आप लोग इसको चेक कीजिए ये दोनों मिल रहे कि नहीं, हमें लगा ये आंसर जो थीटा जो जो बी है ना उसका वैल्यू जो 0 होना चाहिए, ओके, इसके बाद यहाँ में नंबर 5 में इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहां में क्या बोला है, इंटीरियर एंगल का बात कर रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, ओके, ए बी सी, ओके, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इंटीरियर एंगल्स का बात कर रहे हैं, ओके, ए बी सी जो क्या है, इंटीरियर एंगल है ये ए बी सी, ओके, इसके बाद देन कोस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ओके, तो यहां में कोस बी प्लस सी by 2 is equal to क्या होगा यहाँ में ऑप्शन में, ओके, तो ऐसा में ऐसा क्वेश्चन देखने से कोई कोई जो नया है वो लोग को बहुत टफ लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, उसको जस्ट हम लोग ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ऐसा क्वेश्चन लोग को सॉल्व करना है, ओके, यहाँ में ज्योमेट्री भी आ जाएगा प्लस हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ में पुट करना पड़ेगा, यहाँ में ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बोलने से हम लोग को पता है सम ऑफ All angles of triangle is कितना होगा, interior angle is 180 होगा, that means angle A plus angle B plus angle C कितना होगा 180 रहेगा, okay, exterior नहीं हाँ ये interior बात कर रहे, exterior होने से 360 रह जाएगा, okay, जितना भी जो polygons होता है ना regular polygons जितना भी होता है उसका exterior angle जो क्या होता है हमेशा fix होता है वो 360 रहता है, okay, exterior angle बोले तो ये, ओके, इधर में ये, इधर में ये हो जाएगा, ओके, ये सब क्या है एक्सटीरियर एंगल से, ओके, ये सब का हमेशा प्लस करने से 360 रहेगा, लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना वो चेंज होते रहता है, ओके, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागन हर एक साइड बढ़ने से क्या होगा एक 180 प्लस करते जाना पड़ेगा, जैसे कि ट्राइंगल का 180, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल का 360, इसके बाद 540 होगा पेंटागन का, इसके बाद 720 होगा शायद ना, ऐसे प्लस 180 करते जाना है, ओके, प्लस 180 करते जाना है साइड के हिसाब से, हम इंटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं, ओके, एक्सटीरियर का हमेशा फिक्स होगा 360, ये ज्योमेट्री है, बाद में हम पढ़ा देगा, अभी के लिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ भी क्या बोला है ये तीनों एंगल प्लस करने से 180 है, देन मीन्स हम लोग क्या करेगा, यहाँ में बी सी दिया हुआ है,
तो हम लोग ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी इक्वल टू ए को इस तरफ भेज देता है, ऐसा होगा, ठीक है नहीं? अभी इक्वल हो जाएगा दोनों, ओके। तो हम क्या करेगा, ये दोनों इक्वल हो गया तो उसको टू से डिवाइड करते हैं दोनों के, ओके। यहाँ में टू से डिवाइड किया है ना, तो हम ये दोनों को टू से डिवाइड कर देते हैं। टू से डिवाइड करने के बाद साइड में यहाँ में कोस लाते हैं, ओके। इस तरफ में भी हम क्या करेंगे, कोस दे देता है, दोनों में कोस दे दिया, ओके। दैट मीन्स कोस बी कोस सी बाय टू इक्वल टू, हम लोग यहाँ में क्या करेगा, कोस ये 180 बाय टू, ओके, माइनस ऐसा लिख सकेगा, ओके। इसके बाद कोस बी सी टू इक्वल टू कोस, ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोस ए बाय टू, ओके। देन मीन्स ये वाला चीज जो कहीं पे देखा है हमने, कहां पे देखा है, चलो फिर से फॉर्मूला को देखते हैं, यहां पे, ओके, कोस कोस पाई बाय टू मीन्स कोस पाई बाय टू मैंने 90 था, पाई बाय टू क्या मिलता है हम लोग को, साइन थीटा मिलता है, ओके। इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माने क्या है, ए बाय टू, ओके, ट्राइंगल ए बाय टू, या ऐसा लिख देगा, ओके, ट्राइंगल लिखो या जैसे नॉर्मली जैसे भी लिखो, ओके, ये हमको मिल गया, ओके। अभी तो हाँ, यहाँ में आंसर है डायरेक्ट, देखो इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको, साइन ए बाय टू, कौन सा वाला रहेगा, ये, ओके, ए रहेगा, माइनस नहीं आएगा, ओके, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट पॉजिटिव है ए बाय टू, ओके, फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये सब में क्या करना है हम लोग को, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक जियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोग को पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। यहाँ से हमने क्या किया, कोस का वैल्यू पुट किया दो साइड में, दो साइड में पुट करने के बाद ये चीज जो हमको पता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, या में को फंक्शन फॉर्मूला से कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट साइन थीटा लिख दिया, थीटा मीन्स ए बाई टू, ओके, ट्रायंगल ए बाई टू, इसलिए आंसर ये मिल गया, ओके, यहाँ पे आंसर ये था। इसके बाद इफ यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, ओके, देन द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ में भी फिर से वही सेम फॉर्मूला पुट करेगा। यहाँ में एक चीज क्या बताए कि ट्राइंगल सी जो राइट एंगल है बोला, ओके, ये यहाँ में ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी में एक राइट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स राइट एंगल माने क्या है, 90 डिग्री, ओके। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, फिर से तो एंगल बी प्लस एंगल ए, ओके, इक्वल टू 180 माइनस सी का वैल्यू क्या था, 90, ओके, ये कितना रह जाएगा, 90 डिग्री, ओके। एंगल बी या एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। तो यहां में कोस ए बी पूछा है, कोस ए बी इज इक्वल टू, ओके, तो हम लोग क्या करेगा, यहां में ए और बी का वैल्यू क्या होता है, 90, ओके, कोस ए प्लस बी क्या होगा, इक्वल टू ना, इसका सवाल पूछा है, तो कोस ए बी क्या था, 90 था, तो कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग बता के देखिए, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 का वैल्यू जीरो नहीं होता है क्या, यहां में देख लेते हैं फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल, कोस 90 का वैल्यू क्या है, देखो यहां में जीरो है, ओके, जस्ट साइन जीरो जीरो होता है ना, तो कोस जो 90 जीरो हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स है, ओके, अगर आपको साइन पता चल गया ना तो कोस भी पता चल जाएगा, जस्ट ऑपोजिट है, इसका बाद टेन पता चल गया तो कोण भी पता चल जाएगा, जस्ट ऑपोजिट है, ओके। यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया कोस 90 इक्वल टू जीरो, ओके, इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोसेक टू कोसेक स्क्वायर 60 प्लस sec square 60 degree minus cot square 60 degree plus tan square 30 degree will be, okay, यहाँ में भी कुछ नहीं है, हम लोग को जस्ट वैल्यू पुट करना है, लेकिन वहां में वो फॉर्मूला के हिसाब से हमको cosec का फॉर्मूला पता नहीं था, ओके, यहाँ में cosec का लिख देते हैं जीरो, इसके बाद 30, इसके बाद 45,
इसके बाद 60, इसके बाद 90 तक पता चलने से हो जाएगा। ओके ये सब क्या है, डिग्री से। ओके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल हम लिख रहे हैं। कोसेक 0 जो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके नॉट डिफाइन होता है। कोसेक 32 होता है, इसके बाद ये रूट 2 होता है, इसके बाद 60 जो 2 बाय रूट 3 होता है। ओके कोसेक 90 जो 1 होता है। ओके तो क्या होगा, सेक का जस्ट ऑपोजिट होगा, 1 होगा, 2 बाय रूट 3 होगा, या में रूट 2 होगा, 2 होगा, ये नॉट डिफाइन होगा। ओके होगा, ये इस तरफ जा रहे हैं ना, अभी सेम चीज जो इस तरफ से वापस आ रहा है। ओके वही सेम चीज, ये नॉट डिफाइन। ओके सेक और कोसेक का ये फॉर्मूला को भी आप लिख लो क्योंकि वहां पे नहीं था ये टेबल। ओके तो यहाँ पे ये चीज सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके इसका वैल्यू क्या होगा, हमको जस्ट वैल्यू पुट करना है। ओके यहाँ में कोसेक 60 क्या था, 2 बाय रूट 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 60 क्या है, 2 है कि नहीं, 2 स्क्वायर पुट कर देते हैं, माइनस कोट स्क्वायर 60 क्या था, 1 बाय रूट 3 था कि नहीं, 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 10 जो जस्ट, क्योंकि कोट अगर 60 है तो 10 जो उसका ही वैल्यू होगा। ओके फिर से हमको पता है अगर 10 इस तरफ जा रहा है कोट, तब तो कोट इस तरफ से आ रहा है, दैट मींस 45 में दोनों सेम इक्वल होता है, 60 और 30 जो क्या होता है वो दोनों वैल्यू सेम रहता है। ओके वो दोनों ऑपोजिट का, तो यहाँ में वैल्यू सेम है, प्लस माइनस है, हम कैंसिल कर देगा इसको, तो यहाँ में ये दोनों ही बच गया। ओके टू स्क्वायर क्या होगा, 4, रूट 3 को डबल करेगा तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, इसका एलसीएम लेने से 4 प्लस यहाँ में 12 बाय 3। ओके इधर में क्या हो जाएगा 16 बाय 3, यहाँ में 16 बाय 3 है नहीं है, लेकिन यहाँ में एक चीज हमको 3 दिखाई दे रहा है। ओके मिक्स फॉर्म में, मिक्स फॉर्म को कैसा हम लोग बनाएगा, ये फ्रैक्शन से होने से 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 या 15, यहाँ में 1 रिमाइंडर है, दैट मीन्स क्वेश्चन डिविजन बाय रिमाइंडर। ओके ये हम ऐसा लिखते हैं। ओके ये क्या है, क्वेश्चन है, ऊपर में रिमाइंडर, नीचे में क्या है, डिविजन। ओके और ये 16 जो क्या था, ये डिविडेंड। ओके क्या है, डिविडेंड। तो ये फॉर्म में हम लिखेगा, मिक्स फॉर्म में आंसर हमको ये मिल गया। ओके नंबर 3 इतना ही सिंपल है। इसमें भी आपको क्या जानना है बोलने से, यहाँ में आपको जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है ना, उसको आपको जानना है। ओके इस बार जनरली कोसेक और सेक का वैल्यूज नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में आ गया, तो इसलिए आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ओके नॉट डिफाइन, 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3, 1 जिसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा। ओके होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3, देन साइन थीटा इज इक्वल टू। ओके हमको ऐसा फॉर्म में दिया है, रेशियो फॉर्म में, और इसके बाद हमको क्या बोला है, साइन थीटा का वैल्यू निकालो बोला। ओके तो ऐसा में हम क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकेट फॉर्मूला यूज करता है। ओके रेसिप्रोकेट फॉर्मूला यूज करेगा, sec theta प्लस tan theta, ओके डिवाइडेड बाय sec theta माइनस tan theta। ओके हम लोग sec को क्या लिख सकेगा, sec को cos theta लिख सकते हैं। ओके प्लस tan को क्या लिख सकेगा, sin theta बाय cos theta डिवाइडेड बाय, इसको भी फिर से 1 बाय cos theta माइनस, या मैं माइनस था तो sin theta बाय cos theta होगा। यहाँ तक क्लियर है, बस हमने रेसिप्रोकेट किया, कहाँ से रेसिप्रोकेट किया बोलने से आप फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे यही फॉर्मूला है। ओके tan को ये लिखा, sec को हमने ये, ओके sec को ये लिख दिया। ओके tan ये वाला, ओके
अभी इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ऐसा लिख सकेगा 1 बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, इसके बाद नीचे में भी डिनोमिनेटर सेम है। ओके, कोस थीटा, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल कर सकेगा। ओके, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू, ओके, ये वैल्यू को हम इधर में पुट करना चाहिए था। ओके, 5/3 इधर में इक्वल टू 5/3। ओके, यहाँ में भी 5/3 आते रहेगा। ओके, आने के बाद अभी क्या करेगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कन्फ्यूज हो जाएगा, यहाँ में अच्छे से देख लो, साइन थीटा ये बच गया, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा बच गया, इधर में 5/3। ओके, तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एरो साइन देना है। ओके, एरो साइन कब देता है, जब इक्वेशन में अगर दो इक्वल साइन है ना, यहाँ में ऑलरेडी एक इक्वल साइन है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो एरो साइन आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ये 3 आ जाएगा, इक्वल टू 5 × 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो अभी इसको 3 प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा को इधर बेच देगा तो 8 साइन थीटा हो जाएगा, इधर में 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 2/8, कैंसिल करेगा तो 1/4। कौन सा वाला आंसर है, यानी 1/4 सी। ओके, होप आपको समझ में आ गया, यहाँ में कुछ नहीं किया हमने, sec को जो रेसिप्रोकेट फॉर्मूला है ना उसमें पुट किया, sec क्या है, 1/cos आता है, tan क्या आता है, sin/cos आता है। ओके, इसके बाद बाकी तो सब सेम है, हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कॉमन ले लिया, कॉमन दोनों में, तो हम दोनों में ही cos था, कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद ऐसा पुट किया, ऐसा पुट करने के बाद हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 आया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन को एक साइड में और जो वैल्यू था उसको एक साइड किया, इसके बाद यहाँ में 8 साइन इक्वल टू 2 मिला, तो 8 को नीचे बेच दिया तो 1/4 आ गया। ओके, यहाँ में इफ sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू 0 बोला, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 4 थीटा इज। ओके, इसका पूछा है। ओके, तो यहाँ में क्या क्या लिखेंगे हम, अगर sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू 0 है, देट मीन्स sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा होगा कि नहीं, वो दोनों इक्वल है तभी तो 0 आया है कि नहीं, इसको इस तरफ बेच दिया ना तो इक्वल हो जाएगा वो दोनों। ओके, अभी फिर से हम रेसिप्रोकेट फॉर्मूला यूज करता है, 1/cos थीटा इक्वल टू 1/ ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 रह जाएगा, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकेगा, इसको हम लिख सकेगा tan थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो tan थीटा क्या थीटा होने से, tan के साथ क्या थीटा होने से 1 होता है, हम लोग को पता है 10-45 डिग्री होने से क्या होता है, 1 होता है, देन मीन्स थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हमें देन मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। ओके, तो हम इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेगा, 10-45 + cot 45, और हमको पता है 10-45 1 होता है, cot 45 कितना होता है, 1 होता है, दोनों प्लस करेगा तो हमको आंसर 2 मिल गया। ओके, इतना ही सिंपल है। ओके, यहाँ में ये चीज इक्वल टू 0 बोला, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों जो माइनस करने से 0 है, दैट मींस वो दोनों इक्वल है, हम cosec को इस तरफ बेच दिया। ओके, इक्वल का इक्वल साइन का ऑपोजिट में बेच दिया, उस तरफ में बेच दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो वो दोनों को हम रेसिप्रोकेट किया, रेसिप्रोकेट फॉर्मूला के हिसाब से sec को हम 1/cos लिख सकता है और cosec को 1/sin लिख सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन ऊपर चला गया, cosec cos नीचे में है, sin by cos मतलब हमको पता है कि sin by cos इक्वल टू 10 थीटा होता है इक्वल टू 1, कब 1 होगा, 10-45 होने से 1 होता है, दैट मींस थीटा इक्वल टू क्या है, 45 है, तो यहाँ में 10-45 cot 45 का वैल्यू क्या होता है, 1-1 होता है, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये दी, होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे
इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट ए एन टेन बी। ओके, ऐसा फॉर्मूला में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आने से हम लोग को सबसे फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलता है, और यहाँ में साइन ए दिया है ना, तो यहाँ में ए थीटा को हम ए मानते हैं। ओके, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम के हिसाब से यहाँ में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको पता है हाइपोटेन्यूज थ्योरम के हिसाब से, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इसके बाद हमको एक चीज भी ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला जानना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। इसके बाद कोस क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके, आप ये चीज को लिख लो। ओके, ये चीज को लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम के हिसाब से ये ट्रिगोनोमेट्रिक थ्योरम, ये कब लागू होगा, ये कब लागू होगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तभी लागू होगा ये सब फॉर्मूला। कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तभी ये फॉर्मूला लोग विलिट होगा। ओके, अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला को पुट नहीं कर सकते। ओके, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, वेरी हाई, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इक्वल टू पी बी, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ में अभी हम क्या करेगा, साइन ए, ये साइन ए, ओके, इस तरफ से साइन ए इक्वल टू 3/4 बोला। ओके, तो यहाँ में साइन का वैल्यू क्या भाई, पी बाई एच है। ओके, साइन का वैल्यू यहाँ में क्या है, पी बाई एच, दैट मीन्स 3/4 बात कर रहे हैं। तो 3 कौन सा वाला है, यहाँ में ये इसको 3 मानते हैं, और हाइपोटेन्यूस क्या है, 4। ओके, हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो हमको बेस का वैल्यू पता नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम के हिसाब से एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच क्या है, 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या था, 3 स्क्वायर, बेस स्क्वायर हमको पता नहीं है। ओके, बेस को एक साइड में रख देने से क्या होगा, रूट ये 16 बन जाएगा, 4 स्क्वायर, ये इस तरफ से माइनस हो जाएगा तो 9 स्क्वायर। ओके, ये 16, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, रूट या में 7। ओके, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, ये चीज को इस तरफ लेके गया, ये स्क्वायर को अगर हम उस तरफ ले जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ओके, इतना सिंपल है। तो यहाँ में हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, रूट 7। ओके, अभी हमको cos a और tan a ढूंढना है, a माने क्या है, थीटा। ओके, तो cos a इक्वल टू क्या होगा, b बाई एच, b यहाँ में क्या है, b रूट 7 है, h क्या था, h 4 था, cos a का वैल्यू मिल गया। अभी tan a क्या होगा, tan a p बाई b होता है, तो p क्या है यहाँ पे, p 3 है, और b क्या है, b हमको मिला था रूट 7। ओके ओके, समझ में आ गया, हमने ए बी सी को यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया। ओके, और उसके बाद ये एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, उसमें हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर है। इसके बाद ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम जो पुट किया, पुट करके हम लोग बी का वैल्यू निकाला, क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ था ये फॉर्मूला के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से। ओके, ये मिल गया था हमको, तो हमको निकलना था टेन, और ये निकल के हमको ये मिल गया। ओके, क्योंकि हमको 3 साइन मिल गया, तो ऑलरेडी हमको पी एच पता था, बी पता नहीं था, बी को निकला हाइपोटेन्यूस थ्योरम से, इसका बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया, आंसर मिल गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ये हाइट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला से, यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करके ना, ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है। ओके, लैडर शेडो, ओके, सन का शेडो है, यहाँ में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल के ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं,
तो ऐसा क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसा क्वेश्चंस भी देखा जाता है। ओके तो यहाँ में क्या करना है, यहाँ में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए हाउस इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस द लेंथ ऑफ द लैडर इज। यहाँ में सोच लो ये क्या है, घर है। ओके घर है, घर को हमें एक लेदर, लेदर माने क्या है सीरी। ओके एक सीरी लगाया बोला। ओके एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन माने ये वाला एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओके क्योंकि ये चीजों क्या है एलिवेट होते जा रहे हैं। ओके इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है। इन केस यहाँ में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने से हम क्या करेगा, जो फ्लोर है ना फ्लोर का साथ एक पैरेलल इमेजिनरी लाइन बनाएगा, इसका साथ जो एंगल जो यहाँ में डिप्रेस हो रहा है ना उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा। ओके ये वाला को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा इन केस। ओके यहाँ में राइट नाउ हम लोग बोल सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है बोलने से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स हम लोग यहाँ में बोल सकेगा थीटा इक्वल टू पाई अल्फा। ओके तो छोड़ खैर छोड़ो इसको हमको जरूरत नहीं है, बस हमको एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करें, ये डिप्रेशन था ये एलिवेशन था। ओके तो 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेदर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस, हाउस से लेके फुट ऑफ लेदर बोला, ये फुट ऑफ लेदर है और ये हाउस है, इतनों के बीच में कितना है लेंथ बोला 6.5 मीटर है बोला। ओके द लेंथ ऑफ द लेदर, अभी हमको पूछ रहा है कि ये लेंथ ऑफ लेदर ना, ये लेंथ ऑफ लेदर इसका जो यहाँ तक इसका लेंथ कितना है बोला, और हमको घर का हाइट भी पता नहीं है। ओके घर का हाइट भी पता नहीं है हमको, यहाँ में गिवन क्या है, गिवन हमको पता है थीटा कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ में क्या है ये चीज, अगर ये चीज एंगल यहाँ से है ना तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस बन जाएगा, हमको हाइपोटेनस पूछ रहा है। ओके तो हम यहाँ में क्या करेगा, बेस हमको पता है कितना है 6.5 मीटर, हमको क्या ढूंढने बोला है एच ढूंढने बोला। ओके तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला से बी और एच भी आता है, बी और एच आता है हमको पता है cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे cos थीटा क्या है, cos थीटा से बी बाई एच होता है, एक ही नहीं तो हमको यहाँ में गिवन तो दो ही चीज है, तो थीटा और बेसिक गिवन है, हमको हाइपोटेनस ढूंढने बोला, परपेंडिकुलर को भूल जाओ अभी के लिए ना क्योंकि वो जरूरत भी नहीं, उसको निकालने जरूरत भी नहीं है, बस ये दो चीज से हम आंसर निकाल लेगा। तो cos cos 60 b क्या है 6.5, हाइट हमको पता नहीं है तो हाइट को इधर ले आता है 6.5, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ होता है कि नहीं, cos 60 हाफ होता है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यह भी 6.5 into 2 हो जाएगा, नीचे में 1 रहेगा, 6.52 इंटू कितना होता है 13 मीटर्स, ये आंसर। ओके दैट मींस ये कितना रहेगा, ये 13 मीटर रहेगा, ऐसे हो कि हम लोग ये परपेंडिकुलर को भी ढूंढ सकेगा, या में फिलहाल हम लोग को हाइट ऑफ द हाउस नहीं पूछा है, हम लोग को लेंथ ऑफ लेडर पूछा है, ये लेडर का लेंथ ही पूछा है, अगर हाउस पूछता तो हम क्या करना था, हम लोग टेन थीटा पुट करना था, टेन थीटा इक्वल टू पी बी करना था, बी हम लोग को पता है थीटा पता है, हम लोग पी निकलना था, लेकिन यहाँ में हाउस हाइट ये हाइपोटेनस पूछा है लेंथ ऑफ लेडर ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपना इक्वेशन को हम लोग बना सकता है, कोई सा कौन सा फॉर्मूला भी है, कोई भी फॉर्मूला भी हम लोग पुट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ओके तो ऐसा टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कभी कभार सन है बोलेगा, इसका शेडो ये इंसान का शेडो जो ऐसा है बोलेगा। ओके कभी कभार एंगल ऑफ एलिवेशन जो दो जगह में होता है, डिप्रेशन भी होता है। ओके तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोल के। होप आपको समझ में आया होगा जितना भी सॉल्व किया है, अगर कुछ डाउट है तो फ्रीली आप कॉमेंट में पूछिए, हम एनी टाइम डाउट क्लियर करने के लिए रेडी है। तो ट्रिगोनोमेट्री वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्किप नहीं करना है, बहुत सी सिंपल सी है, आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज ही याद करना है, ज़्यादा भी नहीं, कुछ कुछ फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है ना उसको आपको जैसे उनसे भी याद करना है,
एटलीस्ट आपको साइन का, टेन का और सेक का, ओके ये तीनों का, क्योंकि इसका कोस हो जाएगा, उसका वाइस वर्सा, इसका कोट हो जाएगा, सेक का कोसेक आ जाएगा, ओके। देन मीन्स आप ये तीनों का जीरो से लेके 90 डिग्री तक ना, जीरो से 90 डिग्री तक आप याद कर लेगा तो ये भी, ये चीज़ भी जस्ट उल्टा आएगा, तो ये तीनों याद करने से भी उल्टा आ जाएगा, दैट मीन्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। और हम लोग को रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल भी जानना है, ओके। इसके बाद बाकी क्या था, बाकी को फॉर्मूला था, ओके, वो सब याद रखना है। इसके बाद फिर हाइपोटेनस थ्योरम था, यहाँ पे यूज किया है, ओके। होप आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंपल वेज का वीडियोस, फिर मिलते हैं अगला वीडियो पे, थैंक यू सो मच।